Hi, this is Shefali Jariwala and you're watching me on Filmy Beats. Hi guys, this is Monica. You're watching me on Filmy Beat. Well, आज हमारे साथ है शिफाली जरीवाला. तो चलिए जानते हैं कि बिग बॉस से निकलने के बाद अब उनकी जर्नी कैसी है. Hi शिफाली, welcome to Filmy Beat. Thank you for having me. Okay, so talking about बिग बॉस से निकलने के बाद वाली जर्नी, सो अभी क्या कुछ हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सुकून का जीवन है. इट्स गुड टू बी बैक होम विथ माई फैमिली एंड माई सन. अच्छा लग रहा है, बट डेफिनेटली बिग बॉस के घर को भी मैं मिस करती हूँ. आज भी कभी कभी सुबह में जागती हूँ, उठती हूँ तो मुझे लगता है बिग बॉस के घर में हूँ. आई मिस बिग बॉस की आवाज़ बहुत ज़्यादा. आई मिस जो सुबह हमें गाने बजा के जो उठाते थे उसको मैं मिस करती हूँ. लोगों के लिए जो मैं खाना बनाती थी वो मैं मिस करती हूँ. बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक. बहुत ही एक्शन पैक रहा है. 3 हफ्ते हो गए हैं बिग बॉस ख़त्म हो के और 3 हफ्तों से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, शोज़ कर रही हूँ, इवेंट्स कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है. एग्जैक्टली, जैसे कि हर किसी को पता है पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. एक तरफ हम सिद्धार्थ और आसिम को भी देख रहे हैं, लेकिन निकलने के बाद वो दोनों भी काफ़ी एफर्ट पे स्पॉट हो रहे हैं. सो ओवरऑल अगर बिग बॉस की इम्पैक्ट की बात करो तो क्या कुछ आप सीख के निकले हो? बहुत ज़्यादा सीख के निकली हूँ. मैं खाना बनाना सीख गई बिग बॉस के घर में. मुझे लगता है कि बिग बॉस डोमेस्टिकेटेड सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका है. मैं अब कपड़े धो सकती हूँ, मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, मैं बर्तन धो सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ. तो घर के ये सारे काम मैं सीखी हूँ. और मैंने ये सीखा है पेशेंस, जब टेस्ट होता है तब अपने आप को कैसे कंट्रोल करना. गुस्सा जब आता है, हर एक्शन पे रिएक्शन ज़रूरी नहीं होता, ये मैंने बिग बॉस के घर में सीखा है. दोस्त धोखा कैसे देते हैं वो मैंने बिग बॉस के घर में सीखा है. और हर इंसान शुरू में जो बुरा हो वो हमेशा बुरा हो ये सही नहीं है, ये भी सीखा है. कुछ लोग हैं ऐसे जिनसे मेरी बहुत ही ज़्यादा शुरुआत में दुश्मनी थी, वो मेरे आज बहुत अच्छे दोस्त हैं. और कुछ लोग थे जो मेरी बहुत अच्छे दोस्त थे शुरू में और आज हम बात नहीं करते. तो बदलते रिश्ते बहुत देखे हैं मैंने नज़दीकी से. और मैंने बिग बॉस से ये सीखा है कि दुनिया में कोई चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं होती, आपको आगे बढ़ना पड़ता है. निकलने के बाद घर से, वेल अभी तो खत्म हो चुका है सीजन, किस किस से मिले हो और क्या कुछ मस्ती हुई है? सबसे पहले तो मैं भाऊ से मिली. मतलब मैं घर आई उसके आधे घंटे के अंदर भाऊ मेरे घर ऑलरेडी आ चुके थे और हमने सारी रात बैठ के खूब बातें की. भाऊ बहुत ज़्यादा फनी है और मेरा और भाऊ का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. बहुत अच्छा बॉन्ड है हम दोनों का. बिग बॉस के घर में थी तब तक उन्होंने मुझे बहन माना था, अब मुझे अपनी बेटी मानते हैं वो. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके. यस, रिलेशन चेंज हो गया, वो मुझे बेटा बुलाते हैं. और इनफैक्ट आज शाम को मैं भाऊ को मिलने वाली हूँ दोबारा से. तो भाऊ को मिली हूँ मैं. आरती आज मिलने वाली है मुझे शाम को. माहिरा मिल चुकी है मुझे. पारस घर में है, इससे नहीं मिल सकी. सिद्धार्थ से अभी तक नहीं मिली हूँ. विशाल से मिलूंगी डेफिनेटली, उनसे फ़ोन पे भी बात होती है, रश्मि से बात होती है. सो आई थिंक अब सारे लोग जो घर से बाहर निकले हैं वो खुद सुकून की सांस ले रहे हैं, अपने 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 घर को एंजॉय कर रहे हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को मिल रहे हैं. और अब हम मिलेंगे डेफिनेटली, एंजॉय करेंगे. ओके, वेल जैसे कि आपने कहा कि पारस अभी घर में है, शहनाज भी घर में है, तो इन दोनों से तो बातें नहीं होती रहेंगी, लेकिन डेफिनेटली आर यू वॉचिंग देयर शो? अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट बीन एबल टू वॉच देयर शो, बट सुनने में आया है काफ़ी मज़ेदार है शो. मैंने देखा तो नहीं है, बट दोनों बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटीज़ है, पारस की और शहनाज की. एंड आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे होंगे ऑडियंसिस को. बट अनफॉर्चुनेटली शहनाज दिख रही है कि शी इज़ मिसिंग सिद्धार्थ, वो उनके फेस पे आ ही रहा है. और वो जब बाहर भी आती है तो यूजली वो यही कहती है कि मुझे प्यार किसी और से हो गया और यहाँ मेरा स्वयंवर हो रहा है, तो यार मुझे उनकी याद मत दिलाओ जब भी वो लाइव आती है. सो अगर मैं आपको पूछूँ, अभी बलराज भी काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं शहनाज के साथ, लेकिन अगर मैं पूछूं जोड़ी के हिसाब से तो सिद्धार्थ ज़्यादा अच्छी लग रही थी या शहनाज और बलराज? मुझे पहले समझ में नहीं आता, अगर शहनाज सिद्धार्थ को इतना प्यार करती है तो मुझसे शादी करोगी, मैं गई क्यों? मतलब वो किसी और से शादी करने के लिए रेडी क्यों हो गई? सो खैर, आई एम श्योर कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं जानते, और जब आप दूर होते हो अपने लव्ड वन से तो उनकी वैल्यू आपको पता चलती है. शायद ऐसा हुआ है शहनाज के साथ. मैं क्या कह सकती हूँ, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी. शहनाज बलराज के साथ भी अच्छी दिखती है, सिद्धार्थ के साथ भी अच्छी दिखती है, ये चॉइस अब शहनाज को करनी है. ओके, अगर आपसे मैं पूछूँ निकलने के बाद, जैसे कि आपने कहा, तो क्या कुछ अगर वर्क फ्रंट में पूछूँ तो कितने शोज आए हैं, या फिर हम आपको टेलीविजन पे या बॉलीवुड में हम आपको कब देख सकते हैं, क्या कुछ हो रहा है?
इवेंट्स लाइव शोज में ऑलमोस्ट रोज कर रही हूँ. लोग मुझे बुला रहे हैं रिबन कटिंग्स के लिए, लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए, शो जज करने के लिए. इनफैक्ट मैंने अभी एक इवेंट किया जहाँ पे एक वुमेन एम्पावरमेंट इवेंट था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी स्ट्रांग थी बिग बॉस में. तो आई स्पोक टू अबाउट 200 वुमेन अबाउट हाउ व्हाट अ स्ट्रांग वुमेन इज एंड हाउ अ स्ट्रांग वुमेन शुड बी. एंड आई ट्राइड टू यू नो give them my life experiences and my experiences from the Big Boss house. That was a wonderful event I did. On television front, lots of offers coming. It's just a matter of choice. Matlab mujhe bas choose karna hai. But I'm one thing's for sure that my audience is going to see me on TV very soon. That means something is cooking up. Something might be cooking. Alright. So lastly, what message you would like to give to the fans and the viewers who are watching you and who are waiting for your interview? थैंक यू सो मच ऑल यू गाइज. यू गाइज हैव गिवन मी सो मच लव सपोर्ट. आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आपकी वजह से. फ्यूचर में भी ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट कीजिए, एंड आई प्रॉमिस टू एंटरटेन यू.